हेलो फ्रेंड, नमस्कार। देसी किचन में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड, आज हम बनाएंगे पितृ अमावस्या पर थाली पितरों के लिए, तो जिसमें हमने बनाए हैं अरवी की सब्जी सूखी, मसाले वाली पूरी और खीर और बूंदी का रायता। अगर फ्रेंड हमारा चैनल आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल का बटन दबाना ना भूले, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, जिसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे खीर। खीर बनाने के लिए हमने एक पतीला ले लिया है और हम सबसे पहले चावल को हल्का सा घी में भूनेंगे। तो जिसके लिए हमने 2 चम्मच घी लिया है बड़े, और अब हम इसमें ले लेंगे चावल जो हमने धोकर रखे हुए हैं। अब चावल को हम हल्का सा इस घी में फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। और अब हम इसमें ले लेंगे दूध जो हमने 2 लीटर दूध लिया है। सबसे पहले हम 1 लीटर दूध खीर में डाल लेंगे, और अब हम चलाते हुए इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे खीर को। बीच बीच में इसको इस तरीके से हम चलाते रहेंगे उबाल आने तक। देखिए फ्रेंड, जब तक हमारी खीर में उबाल आता है तब तक हम अरवी उबाल लेते हैं। अरवी को हमने धोकर ले लिया है, ये 1 किलो अरवी है जो हमने धोकर अब हम इनको उबाल लेंगे। और देखिए कुकर में हमने अरवी डाल लिया, और अब एक कटोरी डालेंगे इसमें पानी, और अब एक ढक्कन लगाकर अब 1 सीटी आने तक इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड, इधर हमारी खीर में भी उबाल आ गया है। खीर को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि हमारी खीर तली में से जले ना। देखिए फ्रेंड, जब तक हमारी खीर के चावल गलते हैं तब तक हम कर लेते हैं आटा तैयार। जिसके लिए हमने आटा ले लिया है, उसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, 1 छोटा चम्मच लेंगे हम मिर्च पाउडर, और 2 से 3 चम्मच ले लेंगे इसमें ऑयल। और अब हम आटे को हाथ से मिला लेंगे अच्छे से। देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके का हो जाएगा आटा। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे इसका। देखिए फ्रेंड, आटा हमारा इस तरीके का लगकर हो गया तैयार। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। देखिए खीर हमारी कुछ इस तरीके की होगी है। अभी हम इसको चलाते रहेंगे, और इधर हमारे चावल भी आधे पक चुके हैं, और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमारा बचा हुआ दूध है 1 लीटर, और सारा दूध डाल देंगे इसमें, और अच्छे से इसको चला देंगे, मिला देंगे खीर को। गैस को हाई फ्लेम पर कर देंगे इस टाइम। देखिए फ्रेंड, जब तक हमारी खीर बनकर तैयार होगी जब तक हम करते हैं टमाटर की प्योर तैयार। जिसके लिए हमने 2 टमाटर लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च। देखिए खीर हमारी गाढ़ी होने लगी है इस टाइम, बनकर हो गई है तैयार। और अब हम फ्रेंड इसमें से थोड़ी सी फीकी खीर निकाल लेंगे, और बाकी में डाल देंगे चीनी। और गैस को कर देंगे अब हम ऑफ। देखिए फ्रेंड, खीर हमारी बिल्कुल बनकर हो गई है तैयार। और अब हम करते हैं अरवी को बनाने की तैयारी। अरवी के लिए मसाला तैयार, जिसके लिए ले लेंगे ऑयल। देखिए फ्रेंड, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, उसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा और 3 से 4 कड़ी पत्ते। जीरा और कड़ी पत्ते को अच्छे से भून जाने देंगे। देखिए फ्रेंड, जीरा भी भून चुका है, और अब हम इसमें डालते हैं पीसे हुए टमाटर जो हमने पीस कर लिए हैं। टमाटर
अदरक और हरी मिर्च अब उसको डाल देंगे और मसाले को अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे मसाले, जिसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च, एक से डेढ़ चम्मच, और अच्छे से इसको चला लेंगे। फ्रेंड, इसमें हम ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, आज हम सब्ज़ी को सिर्फ तीन मसालों से ही बनाएंगे। देखिए फ्रेंड, मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है, ऑयल भी आ गया है। और अब हम इसमें डालते हैं उबली हुई अरबी जो हमने छील कर काट ली है, और अच्छे से मिला लेंगे। इसी मसाले में अच्छे से मिला लेंगे इसको, और दो मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड, सूखी अरबी हमारी बनकर हो गई थी यार। और इधर अब हम करते हैं पूरियों की तैयारी, जिसके लिए हम ऑयल गरम कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, कढ़ाई में ले लिया हमने ऑयल, और यह है हमारे आटा जो जिसको रखे हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं, और दो चम्मच डालेंगे हम इसमें ऑयल। और अब अच्छे से इसको गूंथ लेंगे इस तरीके से। देखिए फ्रेंड, जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है तब तक बना लेते हैं हम रायता, जिसके लिए हमने दही ले लिया है, और उसमें डालेंगे हम बूंदी। और अच्छे से इसको मिला देंगे। और इसमें डालेंगे हम एक चौथाई चम्मच नमक, देखिए फ्रेंड दो डालेंगे इसमें कड़ी पत्ते, और इसको अच्छे से मिलाते हैं। देखिए फ्रेंड, रायता हमारा बनकर तैयार हो गया है। और अब हम बना लेते हैं पूरियां। हल्का सा ऑयल लगाकर इनको हम बेल लेंगे। देखिए फ्रेंड, इधर ऑयल भी गर्म हो गया है, अब हम ऑयल को चेक कर लेंगे। ऑयल हमारा बिल्कुल गर्म हो गया है, देखिए इसको निकाल देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे पूरी जो हमने, और इसको हल्के से दबाते हुए ऑयल में सेक लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारी फुली फुली पूरियाँ बनकर हो गई थी यार। इसी तरीके से हम देखिए पूरी हमारी सिक गई है दोनों साइड से, कलर भी अच्छा आ गया है। और अब हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। इसी तरीके से अब हम दूसरी पूरी को सेक लेंगे दबाते हुए हल्के से। देखिए फ्रेंड, ये पूरी भी हमारी सिक कर हो गई तैयार, और इसको भी निकाल लेंगे। अगर फ्रेंड देखिए फ्रेंड, पितृभोग के लिए थाली बनकर हो गई तैयार। आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए। और अगर हमारी ये थाली आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को शेयर करें, और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।